So brothers and sisters and all my YouTube family, let's start our day. Okay, let's chicken nikalte hain. So guys, this is how my first meal these days looks like. कुछ 100-150 ग्राम 200 ग्राम के लगभग चिकन ब्रेस्ट है एंड एक कटोरा भर के दलिया है दूध मिला के और इसमें हनी डाला हुआ है चीनी की जगह इसको मीठा करने के लिए. सो पूजा वूजा डन, नहाना वहाना भी डन. अब अपना डाइट लेते हैं, फर्स्ट डाइट एंड फिर उसके बाद में अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं. एंड जो लोग ये कहते हैं कि 10 घंटे में मुझे 2-3 मिनट बाद ही कुछ नए नए थॉट्स आने लग जाते हैं, तो गाइज ये सबके साथ होता है ना. कोई सा भी बंदा हो, उसके दिमाग में जब वो आइडल बैठता है इस दुनिया में, ना करना कोई काम सबसे एक बड़ा काम होता है. तो जब भी आप ऐसे आइडल बैठते हैं तो आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, आप दीवार की तरफ देखेंगे, कुछ और सोचने लग जाएंगे, सम थॉट्स चलेंगे. लेकिन जब आप एक सिटिंग पोजीशन अपनी बनाते हैं 8-10 घंटे की, तो दैट विल प्रोवाइड यू दैट स्ट्रेंथ. जैसे एक प्रैक्टिस लिखने की करने से आपकी स्पीड बढ़ती है धीरे ऑन द टाइम एज अ टाइम गोज. एक घंटा खत्म कर लिया है, अब लेंगे एक कॉफ़ी ब्रेक, चाय बनाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ी देर ऐसे टन 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 घूमेंगे फिरेंगे, देखते क्या करते हैं. अपनी कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ा सा मस्क मेलन और एक गोंद का लड्डू देसी घी विद सो मच ऑफ ड्राई फ्रूट्स. तो देसी घी से चलो एक बात सुनाता हूँ तुम्हें. देसी घी जो होता है ना, वो मैं हमेशा ऐड करता हूँ अपनी डाइट में और उसका रीज़न एक, मेरे जो ताऊ थे ना अपने इस दुनिया में, वो बहुत बड़े वैद्य हुआ करते थे, अपने गांव में अच्छे खासे वैद्य थे. तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा देसी घी खाना चाहिए, उससे तुम्हारी ब्रेन की पावर बढ़ती है. लेटर ऑन आई ऑल्सो रियलाइज्ड, जब मैंने थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, डॉक्टर्स लोग होंगे वो जानते होंगे आप, कि जो हमारे इम्पल्स सिग्नल है, जैसे मैंने यहाँ पे टच किया, मेरे को यहाँ पे पता चला ब्रेन में कि कुछ कर रहा हूँ मैं, ये इम्पल्स सिग्नल्स जो होते हैं नर्व्स के थ्रू, नर्व सेल के थ्रू जाते हैं. तो नर्व सेल में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है जिस जगह से, जिसे कहते हैं माइलिन लेयर, माइलिन वर्ड आप गूगल कर सकते हो, तो एक फैट लेयर होती है. जिस तरीके से तार में, इलेक्ट्रिकल गाइस कैन अंडरस्टैंड बाय दिस, कि इलेक्ट्रिसिटी को एक कवरिंग प्रोवाइड करने से उसका जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं ना, उसी तरीके से जो फैट लेयर है वो आपके
लॉसेस जो होते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने में, आईटी वाले गाइस आईटी के उससे आपके ऑप्टिकल फाइबर वगैरह के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। तो ब्रेन में भी उसी तरीके से बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, नर्व्स हैं। तो अगर आपकी माइलिन लेयर, फैट लेयर स्ट्रांग होगी तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन लॉस है, आपकी जो मेमोरी लॉस है वो कम होगा। मतलब आप ज़्यादा मेमोरी होल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा मेमोरी ट्रांसफ़र हो सकती है एक दूसरे में। सो उसके लिए घी इज़ द बेस्ट सोर्स एंड यू शुड टेक फैट, यू शुड नॉट अवॉइड फैट इफ़ यू आर डूइंग वर्क विद योर ब्रेन। ऑलवेज ऐड फैट इन योर डाइट। तीसरी कॉफी भी पी लेते हैं आप। सो लेट्स हैव अवर थर्ड कॉफी। भाई भूख लग रही है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा भूख लग रही थी। क्या खा रहा हूँ, पनीर की सब्जी है, मटर पनीर, थोड़ा सा चिकन है 100 ग्राम, चावल है, एक रोटी है, अच्छी है ना डाइट, मज़ेदार। रियली यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मेरी शक्ल ऐसी इतनी गंदी से हो जाएगी। तो गाइज क्या है बिग अनाउंसमेंट बताता हूँ मैं आपको। तो आई हैव डिसाइडेड दैट मैं एक एबंडन डॉग एडॉप्ट करूँगा और एक नई लाइफ दूंगा एक डॉग को। या के लिए बोल रहे थे। हाँ लाया हूँ मैं। हेलो हाय। चलो अब अपनी स्कूटी में बैठते हैं, इसको बैठालते हैं। देखो कितने शांति से बैठा हुआ है। आजा ओ ओ नहीं, कोई नहीं, एसी का पानी है ये। So let me answer your question. रॉक्सी को मरे हुए 2 महीने हो गए अप्रॉक्सीमेटली। होली वाले दिन उसकी डेथ हुई थी, मैंने होली भी नहीं खेली थी। तो 30 मार्च, 2 महीने हो गए लगभग। तो I got this post on my Facebook, adopt a puppy. And I saw this dog, ये rescued हुआ हुआ है, इसे कोई छोड़ गया था ऐसी। तो and he is approximately that kind of age, 45 days के approx, 45 रॉक्सी के एज के बराबर। So I had that feeling की एक डॉग को अडॉप्ट कर सकते हैं हम, है ना। इंस्टेड ऑफ बाइंग अ डॉग आई थॉट गिविंग अ गुड लाइफ टू अ डॉग हु इज अबैंडन्ड बाय द सोसाइटी। सारे डॉग्स को तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन एक डॉग को तो कर ही सकता हूँ ना। So that's why I adopted this dog. जा चुका है
वो जा चुका है समझता क्यों नहीं, जा चुका है तू जा चुका है तू फिर से मिल जा कहीं, कभी कभी फिर मिलेंगे, अभी अभी तेरा मेरा साथ था यही, तेरा मेरा साथ था यही। एंड व्हाट्स हिज नेम, तो मैंने सोचा जैसे कि फ्रांस के राजा होते थे लुई वन, लुई टू, लुई 16, लुई 17, या फिर क्वीन एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ टू, तो वाई नॉट रॉक्सी वन, रॉक्सी टू, इज रॉक्सी टू, या हिज नेम इज ऑल्सो रॉक्सी। ये देखो कैसे पूछ ला रहे हैं इसके लिए। ले। ding 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 छाल के दूं ले। मैंने कितना क्यूट। सो गाइज लेट्स डू अवर एक्सरसाइज, अब पार्ट टू से मिलाता हूँ आपको। ये भी अपना घूम रहा है यहाँ पे, इसका ये हटा देते हैं, इसको भी चैन से घूमने देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके कान बहुत बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े कान हैं इसके। रॉक्सी पाडू हेलो, हाय हाय बोलो, हाय बोलो। तो अब मैं फिनिश करता हूँ अपना लास्ट मीट ऑफ द डे,
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।